खराब है। करेक्ट करेक्ट, थोड़ा सा नॉमिनल खराब है, कुछ कुछ जगह पे पैचेस हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे गए राइट, बनेश्वर महादेव मंदिर। ओह यस यस यस। सो गाइस आप ये राइट साइड में व्हाइट कलर की जो कमान आपने देखी, श्रावण महीने में सोमवार को बहुत क्राउड रहता है। ओके। किसी जमाने में 30-40 साल पहले यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग हुआ करते थे काफी। हाँ, पिकनिक काफी हॉटस्पॉट माना जाता है, मैंने काफी दोस्तों से सुना है। और आएंगे कभी कभी। ओ नजारे देखो दोस्तों, दोनों तरफ ग्रीनरी। हमें थोड़ा लेट हुआ है, अगर हम यहाँ पे दिसंबर में या जनवरी में भी आते हैं राइट, तो हमें खिड़कियाँ खुली रख के जाना पड़ेगा, क्योंकि राइस की जो खुशबू आती है खेतों से, क्या बात, वो ट्रिमेंडस। आप लोगों में से काफी लोग अपने नेटिव प्लेस जाते होंगे, गांव जाते होंगे, सो आपके भी एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कैसा लगता है गांव जाना और कैसा लगता है वहां कुछ समय बिताना, कितना रिफ्रेशिंग रहता है। ओके गाइस, तो ब्रेकफास्ट ब्रेक, तुषार ने, क्योंकि उसका ये गांव का रोड है तो एक यहाँ पे ट्रिमेंडस क्वालिटी का वड़ा पाव मिलता है जो हम खाने वाले हैं चाय पीने के बाद में। बढ़िया बढ़िया, देखते हैं, छोटी सी दुकान है, ये रोड है। सो गाइस ब्रेकफास्ट आ गया है, ये देखिए गर्मा गर्म वड़ा पाव ठंडी में, और चाय भी आ रही है। हमारे दोस्त तुषार जी गए हुए हैं चाय लेने के लिए। चलो बढ़िया, ओके, ये हमारी चाय भी आ गई, लेट्स स्टार्ट। ओहो, नज़ारा तो देखो, वड़ा पाव गर्मा गर्म और चाय। कैसी चाय तुषार? चाय बे, फिर से चालू करते हैं आफ्टर ब्रेक। अभी 20 किलोमीटर जाना राइट अपने को, 20 किलोमीटर अरे नहीं है, पुणे म्युनिसिपल की बस, वेरी गुड, पीएमपीएल की बस भी विंजर करके है। क्या नाम है? विंजर करके गांव है, विंजर वहां तक। अरे बढ़िया बढ़िया। सो गाइस ये भी एक न्यूज़, अगर कोई राजगढ़ तोरना साइड आ रहे हैं तो आप किलोमीटर पे राजगढ़ है, आगे से लेफ्ट है। ये देखिए गाइस, मैं थोड़ा रुका रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, सो यहाँ से आप 13 किलोमीटर राजगढ़ और स्ट्रेट इसी रोड पे 18 किलोमीटर पे। सुयश, क्या बात है। आइए दोस्तों आसपास के एरिया देखते हैं। मुश्किल से 1-1.5 आवर में पहुंच गया अपन ना। ये देखिए गाइस, ये छोटा सा फार्म हाउस, बढ़िया एकदम, उसके आजू बाजू पूरा खेत, रोड से काफी नजदीक है, यहीं पर रोड है, ये रहा इस पेड़ के पास रोड से, आई थिंक मुश्किल से 10-20 मीटर 20-30 मीटर्स। और नज़ारे देखिए गाइस, क्या नज़ारे हैं,
तो हम आ गए अभी दुर्गा जी के घर, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर आसपास का और आपको घर से दिखाएंगे। ठीक है गाइस, थोड़ी देर। तो गाइस ये है बैकयार्ड, चलिए बैकडोर से बैकयार्ड की तरफ चलते हैं, पीछे से देखेंगे क्या नज़ारा है दोस्त, क्या बात है। ये आगे केयर टेकर, उनसे बात हो गई है। क्या बात है दोस्तों, ये देखिए, ये है आम का पेड़ अभी लगाया है, और ये है चीकू, और इसमें देखिए छोटे छोटे चीकू आए हुए हैं, दिख रहे हैं दोस्तों आपको, बहुत सारे चीकू हैं। देखिए चलिए, यहाँ तो पूरा का पूरा बंची है, बढ़िया है एकदम। पुढच्या वर्षी ह्याला पण मोर येईल ना, आता एवढ्याशा ह्याला सुद्धा येतो, सगळ्या झाडांना येतो, सगळ्या झाडांना येतं, फळं लागतात। आता या वर्षी नाही लावली, त्याच वर्षी आलेलो होतो मोर। काय बोलतो, जास्त वाढणार नाहीये, ती कमी वाढणारी झाड आहे। बर, घेतानाच 5 वर्षाची होती। अच्छा अच्छा, डब्यातली। हाँ, 3-8 वर्ष झाली तिला आता। बरोबर बरोबर, 3 वर्ष झाली असतील। इतने से पेड में भी गाइस आम लगते हैं, याला आंबेही लागतात आता। राईट राईट, काढून टाकतोय आम्ही, मोहरच काढून टाकतो। पहिल्या वर्षी वाढत नाही ना खाली आंब्याच्या, पहिल्या वर्षी आम्ही वाढत नाही, आंबा लागला होता। अरे बापरे, पहिल्या वर्षी कट केला सगळा पूर्ण मोहर, आई शपथ, जोर भारी आंबा, सगळे हापूस आहेत, देवगड हापूस आहे सगळा। अरे वा, हे बघ मोहर लागला। ये जो होता है ना, इसके ऊपर फ्रूट्स आते हैं। काय होतं, फळ लागले ना कि हे पूर्ण बेंड होतो, कारण वजन येतो, वजन येतो, वजनामुळे मग ती बेंड होते खाली, मग हे तुटणार लगेच, म्हणून हे काढून टाकायचं। आता ना, आता नाही काढायचं, नाही काढायचं, आता नाही, आता झालं। पहिल्या वर्षी काढायचा, कारण त्याला कमकुवतपणा असतो, फांदी बारीक असते, मग जर आपण जर फळ जर ठेवलं तर ते बेंड होणार। बरोबर, वो कह रहे थे की फर्स्ट इयर जब छोटा रहता ना प्लांट, लेट्स से लेस देन 3 फीट, उसको जो ये फल के स्टार्टिंग का जो फल आता है, फूल आता है, वो कट कर देते थे वो लोग, ताकि उसको स्ट्रेंथनिंग मिले बड़ा होने के बाद। अब वो एज पर हिम ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो ये अभी कट नहीं करेंगे वो, और इसको आम लगेगा। और उनने उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये देवगढ़ हापुस आम है, जो सबसे फेमस आम है वर्ल्ड का कह सकते हैं। और ये है जैक फ्रूट, छोटा पेड़, थोड़ा इस तरफ से दिखा दे, जैक फ्रूट। दुकानें हैं, टिपिकल होटल, छोटे मोटे होटल हैं, यहाँ हम रुके हैं, इसका नाम भी देख लेते हैं। और ये है हमारी राइड, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, सो आज इसी के साथ आए हैं हम लोग। चलिए अभी बैक टू पवेलियन, कितना बजे 11:40 11:44 4 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
टाइम हो गया तो खाने का भी ब्रेक ले लेते हैं, आप लोग भी खाइए। मेरे छोटे दोस्तों को ना डक्स दिखाते हैं, चलो एक ये देखिए। हेलो, लगता है गाना सुना होगा। चलो चलते हैं, खाना हो गया, डन, हफ्ते की छुट्टी भी खत्म, ट्रिप भी हो गई, खाना भी हो गया, काम भी हो गया, काम भी हो गया, छोटी सी ट्रिप हो गई। यस, अगली बार बड़ी सी करेंगे, अगली बार बड़ी करेंगे। आना है जरूर जरूर। सो बाय गाइस एंड टेक केयर।